कांस फिल्म फेयर अवार्ड के लिए फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और कांस फिल्म फेयर फेस्टिवल के लिए जहाँ पे बॉलीवुड के कई सितारे शामिल होते हैं उनमें से ऐश्वर्या रॉय भी शामिल है। ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या बच्चन को एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया जहाँ पे ऐश्वर्या जो है ब्लैक कलर के हुडी की शर्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और अभिषेक आराध्या बच्चन जो पिंक कलर के हुडी में बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लुक लग रही थी। आराध्या अभिषेक के साथ जो है ऐश्वर्या रॉय फ्रांस के लिए रवाना हो गई हैं। तीनों जो है कनाज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपको बता दें कि ऐश्वर्या रॉय हर साल कनाज फेस्टिवल के लिए पार्टिसिपेट करती है और उनकी यूनिक ड्रेस को देखने के लिए फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और इस बार 2022 में जो है कई बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जो है कनाज फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। टीना खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ के साथ ऐश्वर्या रॉय भी कांस फेस्टिवल के लिए रवाना हो गई हैं। आपको बता दें कि हर साल जो है इस फेस्टिवल में ऐश्वर्या रॉय पार्टिसिपेट लेती हैं। ऐश्वर्या जो है अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ हर साल पार्टिसिपेट लेती है, लेकिन इस बार जो है आराध्या बच्चन के साथ जो अभिषेक बच्चन भी जा रहे हैं। तो वही कई दिनों से उनके सेकंड बेबी के लिए फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और ऐसे रिपोर्ट भी कहा जा रहा था कि आराध्या ऐश्वर्या रॉय ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। कितनी सच्चाई है अभी तक बच्चन सामने की तरफ से कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आई है। तो वैसे आपको लोग क्या लगता है कि ऐश्वर्या रॉय ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है या नहीं, मुझे कमेंट बताना ना भूलिएगा। ऐश्वर्या और अभिषेक और आराध्या बच्चन जो खूब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, यह देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि कहाँ